में नेत्र चिकित्सालय के क्षेत्र में विश्वसनीयता और उच्चतम तकनीक से अपना नाम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाकर रायपुर के श्री गणेश विनायक आई अस्पताल ने हाल ही में एक और बेहतरीन कार्य किया है। राजनांदगांव निवासी तरुणा साहू, कोरबा निवासी गिरिजा कुमारी और बेमित्रा निवासी संध्या राजपूत, जो जन्म से भेंगेपन का शिकार थी, श्री गणेश विनायक आई अस्पताल ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके उनको इस समस्या से निजात दिलवाया है। प्रदेशवासियों को जन्मजात तिरछेपन से निजात पाने के लिए अब कहीं भी शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब किफायती दामों में ये सुविधा का लाभ आसानी से लोग उठा सकेंगे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर चारुदत्त कलामकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जब दोनों आंखें एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को भेंगापन कहते हैं। जिन लोगों को ये समस्या होती है उनकी आंखें अलग अलग दिशा में देखती हैं और अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यदि इस इलाज से भी तिरछापन का इलाज नहीं हो पाता है तो सर्जरी करके तिरछापन को ठीक किया जा सकता है। मांसपेशियां होती है उसके बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से होने वाली ये बीमारी है। ये बच्चों से लेके वयस्क में कभी भी हो सकती है। सही समय पे इलाज करने पे इसका इलाज पूर्णतः संभव होता है। आंख पूरी तरह सीधी हो सकती है। अगर इलाज में किसी भी तरह की देरी की जाए, लेट किया जाए, तो नजर में भी कमजोरी आने का खतरा रहता है। इसीलिए इसका हमको सही समय पे डायग्नोसिस करना रहता है, सही समय पे इलाज करना रहता है। इसका इलाज ऑपरेशन के माध्यम से या चश्मे के माध्यम से किया जा सकता है। जितने जल्दी इलाज कर सके उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इलाज में देरी करने से नजर में कमजोरी आ सकती है। तिरछेपन के तरह पे निर्भर करता है या उम्र पे निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से 10 से 15 हजार रुपए में इसका पूर्ण इलाज संभव होता है। एक महीने में आंख पूरी तरह सामान्य हो जाती है। इसमें मामा थे, वो बोले थे मतलब डॉक्टर है वो अच्छे हैं यहाँ पे। यहाँ मतलब मैंने पहले आए थे, यही थे मैं रायपुर में नानी के यहाँ, तो मामा को फोन किया तो बताए कि यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, तो फिर यहाँ आए तो इलाज इलाज देखे। फिर एक महीने के बाद मतलब 5 तारीख को इलाज हुआ मतलब। हाँ, कोरबा में सर एक सर रहते हैं जो डॉक्टर हैं, वो बोले कि आप वहाँ जाओ, रायपुर जाओ, वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। फिर हम लोग यहाँ आए, फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अच्छा से इलाज होता है, जैसे कि किसी भी तीसरेपन का। तो हम लोग को ऐसे लगा कि अगर हम लोग को पहले से इलाज होता है तो हम लोग पहले आ जाते हैं। जैसे मैं स्कूल में थी छोटे से, तो मेरे फ्रेंड लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो भी थे ना, जो मेरे फ्रेंड नहीं थे, उन लोग मेरे को चिढ़ाते थे, मेरे को बहुत गंदा लगता था। मेरा जब 3 साल की थी तब मेरा एक स्कूटर में एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरा आंख का नस खिंचा गया और आंख का तिरछा हो गया उसके कारण। तो मैं डरती थी कि कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसका ऑपरेशन, सब लोग क्या के जैसे हो पाएगा कि नहीं मेरा भी आंख। तो डरती थी मैं कि होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो पता चला कि रायपुर में आईस हॉस्पिटल है, वहाँ ऑपरेशन होता है आंख का। यहाँ आया तब हम लोग का मतलब मेरा आंख का ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन से मेरा आंख ठीक हो गया। तब अच्छा लगता है कि काश सब लोग के जैसे मेरा भी आंख हो गया। मांसपेशियां होती है उसके बैलेंस गड़बड़ होने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते